औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 हमने स्टार्ट करना है आज। प्रीवियस हमने जो है म्यारी फॉर्म में बताना था, म्यारी फॉर्म में लिखना था, प्योर दो दर्जी बताना था और दो दर्जी मसावात के बारे में बताना था। तो आज जो हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें सिर्फ हमने दो दर्जी मसावात को हल करना है। तो जो है क्वेश्चन है एक्स की 2 माइनस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब आपने जो है 9th क्लास में भी फैक्टराइज करना, दो दर्जी मसावात को जो है हल करने का तरीका देखा था। इसमें भी हमने दो दर्जी मसावात को जो है हल करना है, पहले कि दो डिजिट्स लें जिनको ज़रब करें तो 20 है, उनको जमा तब्दील करें तो दरमियान वाला एक्स आना चाहिए। तो माइनस 5 4 20 होते हैं और 5 में से 4 जाए तो एक्स होता है, एक एक्स होता है। तो माइनस का 5 जमा के 4, 5 में से 4 है 1, 5 4 माइनस के 20, इस तरह से माइनस का 5 जमा का 4। तो बच्चों जो दरमियान वाला डिजिट है, जो ये वाली वैल्यू अगर प्लस की होती तो हम लोग प्लस का लेते हैं, क्योंकि माइनस का है इसलिए माइनस का है। तो हमने फैक्टराइजेशन कर ली, फैक्टराइजेशन x इंटू एक्स माइनस 5 जमा 4 इंटू एक्स माइनस 5, क्योंकि इन दोनों में से x काम आ रहा है, इन दोनों में से 4 काम आ रहा है, 4 इंटू एक्स माइनस 5 बराबर 0, x जमा 4 इंटू एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0, एक्स जमा 4 बराबर 0, एक्स माइनस 5 बराबर 0। ये सेम आने चाहिए बच्चों, ये जहन में रखना, ये सेम आने चाहिए। तो एक्स जमा 4 इंटू एक्स माइनस 5 बराबर 0। अब क्या करना है, एक्स जमा 4 बराबर 0 या एक्स माइनस 5 बराबर 0। तो एक्स जमा 4 इधर आकर माइनस 4, एक्स माइनस 5 इधर आकर जमा 5। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 जो है वो हुआ कंप्लीट। तो इसका हल सेट आया माइनस 4 और 5, ये हो गया क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर जो है 2, क्वेश्चन नंबर 2 का जो है सेकंड पार्ट देखें, 3/2 सेकंड पार्ट है, 3/2 इज इक्वल टू y को y माइनस 5, 3/2 y ने अंदर वालों से मल्टीप्लाई करना है, y की 2 माइनस 5 है, 3/2 j इधर आकर माइनस, j प्लस है तो माइनस y की 2, ये माइनस है तो प्लस। जो इधर उधर शफलिंग जब हम करते हैं, जब हम मूव करवाते हैं एक को इधर या इधर से उधर, जो जमा होते हैं नफी हो जाते हैं, जो नफी होते हैं वो जमा हो जाते हैं। ये दोनों इधर आए, ये प्लस का था इधर आकर माइनस, ये माइनस का था इधर आके प्लस हो गया। तो 2/2 जमा 5/2, इन दोनों में देख लेना है कॉमन, क्योंकि फैक्टराइजेशन हो भी नहीं सकती वो इस वजह से, क्योंकि जो है तीसरा हमारे पास जो है तीसरी जो है एक्सप्रेशन है नहीं, तो इसलिए जो है हमने यहीं से कॉमन ले लेना है। कॉमन ले लिया, y इज इक्वल टू 0 या 2y जमा 5 इज इक्वल टू 0, तो y हो गया 0 के, 2y जमा 5 बराबर 0, 2y बराबर माइनस 5, ये जमा 5 इधर आकर माइनस 5, बटा दो दोनों साइडों पे किया। क्योंकि मसावात का जो बात होती है वो यही होती है, जो बी वेरिएबल के साथ जो भी वैल्यू होती है, 3 हो 4 हो 5 हो, वो दोनों साइडों पे डिवाइड होती है, क्योंकि हमने एक्स या वाई की वैल्यू निकालनी होती है, या कुछ ना के हम लोग ये कहें कि 2y की वैल्यू निकालनी है, तो हमने y की कीमत निकाल दी थी, तो दोनों साइडों पे हमने जो है 2 पर तकसीम कर दिया। तो बच्चों ये दो पार्ट जो है आपके फर्स्ट और सेकंड पार्ट हुआ कंप्लीट। तो एक मैं क्वेश्चन जो है इसका जो पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का वो 5 जो है वो मैं करवा रहा हूँ। नेक्स्ट तो इसमें बच्चों एक्स
प्लस वन ओवर एक्स प्लस एक्स ओवर एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 25 बाय, ठीक है बच्चों। तो इसमें सबसे पहले जो है ये चेक करें, देखें कि ये भी बटे में है, ये भी बटे में है, ये भी बटे में है। तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम ले लेंगे, जवाब क्या कर लेंगे इस तरह से लेंगे कि इन दोनों को देखें, एक्स है और ये एक्स प्लस वन है, तो आपने इसको इसके साथ कॉमन नहीं ले लेना क्योंकि ये अलग चीज है, ये अलग है। तो एक्स इंटू एक्स प्लस वन, ठीक है बच्चों। अब क्या है कि अगर देखा जाए कि x जो है इसके ऊपर डिवाइड हो जाता है, इसको इस तरह से भी मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं। तो क्या है कि x जो है x से x कैंसिल, तो x प्लस वन का जो है यहाँ पे स्क्वायर बन जाता है, ये इससे कैंसिल हो जाता है, तो x की x और x मल्टीप्लाई हो तो x की टू हो जाता है। तो इसको जो है हम इसका जो है स्क्वायर ओपन करेंगे, एक्स टू प्लस जो है टू एक्स प्लस वन प्लस एक्स टू ओवर करेंगे एक्स टू प्लस एक्स, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड इज इक्वल टू 25 ओवर 12। तो एक्स टू टू एक्स टू प्लस टू एक्स प्लस वन ओवर एक्स टू प्लस एक्स इज इक्वल टू 25 ओवर 12। तो बच्चों अब हमने क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें। तो इसको हम पहले कर लेते हैं, चले 25 एक्स टू प्लस 25 एक्स इज इक्वल टू 24 एक्स टू प्लस 24 एक्स प्लस 12। तो नेक्स्ट प्रोसेस पे इसमें चलेगा 25 एक्स टू प्लस 25 एक्स, ये अगर इस साइड पे आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, माइनस का 24 एक्स की टू माइनस 24 एक्स माइनस के 12 इज इक्वल टू जीरो। तो बच्चों ये इसमें से माइनस किया तो x की 2 वाले जो होंगे वो x की 2 वाले में से ही माइनस होंगे और x वाले में से ही माइनस होंगे, तो ये हो जाएगा x की 2 प्लस x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो x की 2, अब वही फैक्टराइजेशन करने वाली बात हुई कि दो डिजिट ले मल्टीप्लाई करें तो 12 और अगर उनको प्लस माइनस करें तो प्लस का एक्स आना चाहिए। तो क्या करेंगे, एक्स टू प्लस फोर एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू जीरो। तो क्या होगा बच्चों, एक्स टू फोर थ्री 12 और फोर में से थ्री गया वन, तो उसी तरह से हमने क्या करना है, इन दोनों में से कॉमन एक्स इंटू एक्स प्लस फोर माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो क्या करेंगे, ये हो गया x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। अब क्या है कि x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 या x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, x माइनस 3 इधर आके प्लस का 3 और x इज इक्वल टू माइनस 4, तो 3 और माइनस 4 होगा इसका जो हल सेट होगा, सॉल्यूशन सेट होगा। तो बच्चों ये आपका क्वेश्चन जो है कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर 2। तो बच्चों आपका जो काम है वो यही है, आपने असाइनमेंट जो सबमिट करवानी है वो क्वेश्चन नंबर जो है 2 जो है कंप्लीट, इसके असाइनमेंट आप लोगों ने हमें सबमिट करनी है। तो तब तक के लिए बच्चों अल्लाह हाफिज़।